वेलकम बैक। जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 2023 हुंडई वर्ना के एस वेरिएंट के बारे में। आप अगर मेरी ये वीडियो देख लेंगे, आपको एस वेरिएंट के बारे में हर एक डिटेल पता चल जाएगी। हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें आपको बाहर से कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, इंटीरियर में आपको इसमें कौन सा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग फीचर्स एंड इंजन वाइज आपको इस वेरिएंट में कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन सेफ्टी में आपको इस गाड़ी में अडास देखने को मिलेगा या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई भी डिटेल स्किप ना कर पाओ। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और अगर आप हुंडई वर्ना 2023 का सबसे बेस्ट वेरिएंट यानी कि EX वेरिएंट के बारे में भी जानना चाहते हैं, उसकी वीडियो भी मेरे ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। सो अगर बात करें इस वेरिएंट के एक्सटीरियर लुक्स के बारे में, फ्रंट लुक में आपको इस वेरिएंट में LED लाइट्स नहीं देखने को मिलेगी, उसकी जगह आपको नॉर्मल प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा विथ फुल LED DRLs। और अगर बात करें साइड लुक की, साइड में आपको इस वेरिएंट में बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे विद ORVM एंड ORVM में आपको साइड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें अलॉय व्हील्स की, इस वेरिएंट में आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो पेंटेड होने वाले हैं। एंड अगर आप SX वेरिएंट लेंगे उसमें आपको डायमंड कट प्रोवाइड किए जाएंगे 16 इंचेस के। बैक लुक की बात करें, बैक में आपको इस वेरिएंट में फुल LED इंटीग्रेटेड टेल लैंप प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अगर रूफ की बात करें, रूफ में आपको इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, पर सनरूफ नहीं देखने को मिलेगा। सो ये बात कर ली हमने इस वेरिएंट के एक्सटीरियर लुक्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा, इस वेरिएंट में आपको फ्रंट में फुल LED हेडलैम्प्स नहीं देखने को मिल रहे। एंड अगर साइड लुक की बात करें, साइड में आपको पेंटेड अलॉय व्हील्स मिलेंगे 15 इंचेस के। एंड इस वेरिएंट में आपको सनरूफ भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप सनरूफ लेना चाहते हैं, आप SX वेरिएंट ले सकते हैं, इससे एक स्टेप ऊपर। बाकी अगर बात करें इस वेरिएंट के इंटीरियर की, इंटीरियर में आपको इस वेरिएंट में टॉप मॉडल की तरह फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, पर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 8 इंचेस का देखने को मिलेगा। टॉप मॉडल में आपको 10.25 इंचेस का देखने को मिल जाएगा। बाकी फीचर्स की बात करें, आपको इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक AC विद रियर AC वेंट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल सीट्स एंड फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि एस वेरिएंट में। सो अब बात करते हैं ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेंगे। पहला फीचर ये है कि आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, उसके साथ वायरलेस चार्जर, सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक, नो पुश स्टार्ट बटन बट आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी, नो एम्बेड लाइटिंग, नो ऑटो फोल्डिंग इलेक्ट्रिक ORVM, नो वेंटिलेटेड सीट्स, नो इलेक्ट्रिक सीट। ये सब फीचर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये बात कर ली हमने हुंडई वर्ना एस वेरिएंट के इंटीरियर के फीचर्स के बारे में। अगर आप हुंडई वर्ना EX यानी कि सबसे बेस वेरिएंट के इंटीरियर के फीचर्स पर नज़र मारेंगे, उस गाड़ी में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। सो अगर बात करें एस वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, हुंडई वर्ना की सबसे बढ़िया बात है 2023 में आपको हर एक वेरिएंट में 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे एंड बाकी फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि ABS-CVT, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। पर आपको इस गाड़ी में अडास के फीचर्स नहीं देखने को मिलते, उसके लिए आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट लेना पड़ेगा, जिसमें आपको अडास के फंक्शंस देखने को मिलते हैं। ये भी एक हुंडई वर्ना का ड्रॉबैक है, या आप कह सकते हैं इसका कॉन है, क्योंकि आपको हुंडई वर्ना के सबसे टॉप एंड वेरिएंट में ही अडास देखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड होंडा सिटी 2023 में आपको लोअर वेरिएंट्स में भी अडास के फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें हम इस वेरिएंट के इंजन ऑप्शन के बारे में, इस वेरिएंट में आपको बस एक ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 115 BHP एट द रेट 144 NM ऑफ टॉर्क। एंड अगर बात करें हम ट्रांसमिशन की, इस वेरिएंट में आपको बस एक ही ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। आपको इस वेरिएंट में यानी कि एस वेरिएंट में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बुरी बात है। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट हुंडई वर्ना एस वेरिएंट। उम्मीद लगाता हूँ कि मैंने आपके हर एक डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट बचा इस गाड़ी के रिलेटेड, या फिर और भी कोई डाउट है किसी भी गाड़ी के रिलेटेड, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।